Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब। तो आज है ईद का सेकेंड डे और बस रेडी हो गए हैं सुबह से। कुछ भी ऐसे लग रहा था, बस पड़े रहो ऐसा लग रहा था। ना तैयार होने का दिल कर रहा था, ना कुछ करने का दिल कर रहा था। फिर भी सुबह से गेस्ट आ रहे थे तो थोड़ा बहुत उठकर तैयार हो गए। और अब जो है इस बार मैंने बासी ईद के लिए कोई ड्रेस नहीं लिया। काफ़ी सारे नए ड्रेसेस पड़े ही है तो फिर मेरा मन नहीं था कि क्यों हमने सिर्फ ईद का ड्रेस बनाया, बस दैट से। बाकी तो जो एग्जिस्टिंग थे, जो एक एक बार पहन कर रखे थे, वो अच्छे ड्रेसेस थे। तो मैंने और जाना बोले कि जो रखा है वही पहनेंगे इस बार, बासी को कपड़े नहीं लेंगे। और हमने बचाए पैसे। यस आओ। तो अब जो है रेडी हो गए हैं, शाम हो गई है, दोपहर की दावत थी लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि आज जुम्मा भी था। और जाना ये ड्रेस पहनी है, मस्त लग रही माशाल्लाह। और हम जा रहे दावत में, रोहा के यहाँ पे दावत है। कल वो घर आई थी तभी उन लोगों ने दावत दे दिए थे, लेकिन कैसे होता है ना कि ईद के टाइम पे ना, ऐसे ही बासी ईद के टाइम पे गेस्ट आते हैं, मेरे घर वाले आए हैं तो बच्चे हैं, तो जुम्मा भी था तो जल्दी हुआ नहीं है। फिर भी रोहा बोली कि थोड़ा देर तो आकर जाओ, तो फिर शाम हो गई है, 5:30 हो गए हैं तो जाते हैं। एटलीस्ट थोड़ा मुंह दिखा कर आते हैं, उसको अच्छा लगेगा। और शुरकुरमा पीते हैं साथ, खाना नहीं खाए तो क्या हो गया, शुरकुरमा साथ पियेंगे। और मेहंदी का स्टेन आप देख सकते हो, मेरी प्यारी लग रही है बहुत। इसकी इंस्टेंट निकल जाएगी एक दो दिन में। मेरी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, जैसे मुझे ईद पे लगानी थी वैसे ही मुझे मिली। लगा निकलते हैं और जाते हैं मिलने। और आज सेकेंड डे पे इतना कुछ किया नहीं, इंशाल्लाह कल हम लोग का कहीं कहीं जाने का प्लान है ईद के थर्ड डे पे। जोया हमको वहाँ पे पार्टी दे रही है। दीप्ति जमा करके क्या फायदा हो गया, वो मेरे लिए है। तो तुम्हारे तो तुम तुम्हारे घर वालों के लिए थोड़ा भी खर्चा नहीं कर सकते हो। चलो पार्टी तो हम जब मैं कमाने लग जाऊंगी ना तभी तुम्हारे लिए खर्चा। वही होता है ईदी, मतलब कमाना ही हो गया। नहीं पार्टी तो चाहिए। निकलते हैं और आप लोगों की ईद कैसे गई जरूर बताना। और इस बार थोड़ा ऐसा इतना नॉर्मल मीडियम, मतलब ऐसा एकदम ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। ईद है तो ईद मनाना भी इम्पोर्टेंट है तो मना रहे। पता नहीं एक वो मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, कुछ इतना एक्साइटमेंट लेवल वो ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म हो चुका है मेरा। फिर भी कर रहे हैं जितना हो सके उतना करते, तो चलते हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आई हूँ आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर अदनान खान का पहले मतलब ये जो है काम देखने के लिए आई हूँ और आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊंगी। बहुत ही प्यारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया है। अगर आपको भी कुछ आइडिया चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और वही डिटेल्स वगैरह देंगे। तो आइए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही अमेजिंग फ्लैट है, मुझे तो बहुत पसंद आया इंटीरियर। आ जाओ। वेलकम। मतलब एंट्रेंस में इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना प्यारा बना है माशाल्लाह, पहले लिखा है। आप लोग भी पहले ही माशाल्लाह बोल दीजिए फ्लैट देखने से पहले ही। बहुत ही प्यारा फ्लैट बनाया है सच में, बहुत प्यारा लगा आपका काम। और बताइए आप कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेलो, मेरा नाम अदनान खान पठान है, मैं एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हूँ। सो बेसिकली हमारा पुणे बेस्ड आर्किटेक्चर डिजाइनिंग फर्म है। हमारे दो ऑफिस है, एक विमान नगर में एक मार्केट एड में। तो ये रिसेंटली कम्प्लीट है, हम लोग का एक फ्लैट है जो हम चाहते थे कि शोकेस करे। अच्छा। तो आपको मैं थोड़ा वॉक थ्रू बताता हूँ। अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा है, देखने की चीज है, आप लोग को जरूर पसंद आएगा। एंट्रेंस इतना अच्छा लगा है, बताइए आप क्या खास बात है इसमें। ये एंट्रेंस ऐसा बना है कि थोड़ा जाली वर्क दिया है और इसमें भी कैसा है थोड़ा बैकलिट लाइट है। okay. तो इसको भी कैसे हम लोग थ्री इन वन लाइट है, तो मतलब दिखने में थोड़ा वेलकमिंग फीलिंग देता है। बता सकते हो आप लाइट। हाँ, तो ये जब लाइट बंद होते तो गोल्डन पार्ट भी उसका जाली वर्क अच्छा दिखता है उसके साथ, और जब लाइट भी स्टार्ट कर दिया तो वो बैकलाइट होता है पूरा, तो वो भी एक अलग डिजाइन है। बहुत प्यारा है ये। अब अंदर आते हैं, पहले किचन बता दो। लेडीज के लिए ना सब में बेस्ट पार्ट होता है किचन, और ज्यादा टाइम लेडीज किचन में ही निकालते, तो हमको जो है ना किचन बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब स्पेशियस चाहिए, सारी चीजें ऑन पॉइंट चाहिए। तो क्या बताइए क्या स्पेशल है। तो हम लोगों ने जो अभी किचन किया है वो कम्प्लीटली मॉड्यूलर और टैंडम बेस्ड है। ट्रॉली नहीं है, ये लेटेस्ट किचन है सब। और जो फिनिशेस यूज किए हैं वो एक्रेलिक है, पूरे जो वुडन अंदर का फ्रेमवर्क है वो पूरा वाटरप्रूफ वाटर रेजिस्टेंट है। और ज्यादा करके सब फिटिंग्स सब ब्रांडेड है, एज यू कैन सी ये बाईफोल्ड है प्रॉपर, ये सॉफ्ट क्लोज है, ये भी यहाँ पे भी कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट।
ये बस आपको ये निकाल कर ये ट्रॉली वॉश करनी है, बस लगा दो, काम भी बहुत आसान हो गया है लेडीज लोगों को। स्टोव भी कैसे इनबिल्ट किया है कैबिनेट के अंदर, थोड़ा क्लीन क्रिस्प और दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है। और अभी आजकल क्या हुआ है कि कंपलसरी फायर सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, तो वो भी एक चैलेंज है कि हम लोग फायर सिस्टम कैसे उसको छुपा सकते हैं, पर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो दिखने चाहिए। एग्जांपल अच्छा। हम लोग का स्मोक डिटेक्टर है यहाँ पर, वो दिख रहा है, और यहाँ पे स्प्रिंकलर है ये साइड पर, तो नेसेसरी चीज है वो दिख रहे है, और जो पाइपलाइन है उसको हम लोग ने सीलिंग में अच्छी तरह हाइड किया है। अच्छा, काफी अच्छा है। और ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में बताओ। ये हम लोग ने इसमें यूज किया, ये मल्टी फंक्शनल सिंक है सोनेट का, तो इसमें भी कैसा है अलग अलग बटन के हिसाब से हम लोग अलग अलग फंक्शन है इसके। ये ग्लास वॉशिंग के लिए है, और ये कुछ अगर वेजिटेबल्स वॉश करना है, कुछ वॉश करना है, इसमें ही सोप डिस्पेंसर है। और इसका बेनिफिट क्या है ये सिंक का कि आरओ यूजुअली नीचे ही इनबिल्ट बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आरओ नीचे ही आरओ बैठ जाता है, और इधर कैसा है ऊपर एकदम क्लीन क्रिस्प हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता ना ऊपर। हाँ। ऐसे लगाए तो आरो तो फिर यहाँ पर नीचे दिखाई भी नहीं देता है, और किचन एकदम अच्छा लगता है। और ये मुझे बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्लीनिंग का, सही है। यूजुअली अभी क्या हो रहा है कि आजकल ड्राई बैल्कनीज नहीं दे रहे। हाँ, अभी बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है, मिल रहे है, तो हम लोग ने पूरा काउंटर ही नया किया है, तो वॉशिंग मशीन को ही इधर इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ से, और उसके जितने नेसेसरी चीजें हैं ऊपर फिट हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। काफी सारा स्टोरेज है ऊपर भी, काफी सारा है, अच्छा खासा सामान भी बैठ सकता है, और किचन स्पेशियस भी है। अब चलते हैं लिविंग रूम, तो अब आए हैं लिविंग रूम में, और शोर जी को भी इंसिस्ट कर रही हूँ कि दिला दो फ्लैट और मस्त ऐसे इंटीरियर करके शिफ्ट होते हैं इंशाल्लाह, आप लोग भी दुआ करना। और बताओ, लिविंग रूम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा वाइब आ रहा है ना यहाँ पर आकर, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, बताओ। सो लिविंग रूम का बेसिक रिक्वायरमेंट ये था कि क्लाइंट को थोड़ा लाइट कलर्स चाहिए थे टूवर्ड्स वाइट, सो व्हाट वी डिसाइडेड कि थोड़ा सा वाइट ग्रे लाइट ग्रे कलर्स यूज करें। और इसका जो थीम है वो नियो क्लासिक थीम है, न्यू मीन्स थोड़ा मॉडर्न, और क्लासिकल मतलब थोड़ा सा क्लासिकल एलिमेंट्स। क्लासिकल एलिमेंट्स जैसे थे मोल्डिंग है, फॉल सीलिंग है, वॉल पे मोल्डिंग्स लगे हैं, इधर यहाँ पे मोल्डिंग्स लगे हैं, थोड़ा इंट्रिकेट वर्क है, तो वो क्लासिकल डिजाइन बताता है। और मॉडर्न डिजाइन यानी सोफा देख सकते हो मॉडर्न है, ग्लास देख सकते हैं मॉडर्न है, टाइल देख सकते हैं मॉडर्न है, ये सब मॉडर्न में आता है, क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिशेज है, टेक्सचर्स है, ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता है। तो इन शॉर्ट ये हम लोग ने न्यू क्लासिकल डिजाइन अडॉप्ट किया है इसमें। और डाइनिंग एरिया भी बहुत प्यारा है, चेयर्स बहुत अच्छे हैं, बस यहाँ से बस किचन से ये भी बहुत अच्छा है। ये ऑलरेडी था या आप लोगों ने बनाया? नहीं, ऑलरेडी था ये। अच्छा, ये आपने सब सेटअप किया है। हाँ। ओके, तो किचन से डायरेक्ट यहाँ पर खाना खाने बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये वॉल भी बहुत अच्छा बनाया है। और अब यहाँ पर चलते हैं सोफा इंटीरियर, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। हमने कैसा थोड़ा घर थोड़ा होम ऑटोमेशन पे किया है, जैसे लाइट फिक्सचर फिटिंग्स थोड़ा सा है ना, मोबाइल ऐप या अलेक्सा के थ्रू ऑपरेटेड है। और आप कर्टन्स भी देख सकते हो कि ये भी मोटराइज किए हैं सब। वाह, रिमोट से पर्दा खुल रहा है, क्या बात है। नाइस, बालकनी देख सकते हैं, बालकनी भी बहुत बहुत प्यारी लग रही है। तो ये जो है बालकनी भी बहुत अच्छी है, और इतना ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेट बोल सकते हैं, बहुत सिंपल येट एलिगेंट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पे मस्त आराम से थकान से ऑफिस जा रहे हैं, या फिर शाम में हस्बैंड वगैरह आ रहे हैं तो शाम की चाय पी सकते हैं यहाँ पर बैठकर। एंट्री करने के साथ में बोलो तो ऐसा अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस वैसे ही लग रही है, शाम है, हवा इतनी अच्छी आ रही है, और ऊपर से बैकग्राउंड देखेंगे ना, ये ग्रास का नीचे ये, और बीच में वैसे वो वॉल स्टेप लगाया है, तो फिर वो अलग ही रहता है, बोलो एकदम, वो बोलते हैं ना थकान पूरी उतर जाती है ऐसे देखने से।
तो यूजुअली कैसा डिजाइन बहुत मैटर करता है, तो सीलिंग का डिजाइन जो है हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कैसा है विजुअली थोड़ा सा सीटिंग एरिया एक अलग हो गया है, डाइनिंग एरिया अलग हो गया है, और ग्लास इंट्रोड्यूस किया है दोनों साइड पर और डाइनिंग के पास, ये भी बहुत हाईलाइट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे कैसे थोड़ा स्पेस बड़ा दिखता है ग्लास लगाने से और थोड़ा एलिगेंट दिखता है। गैलरी के बाद में मेरे को जो सबसे अच्छा लगा ना ये वाला पैसेज लगा है, क्योंकि कैसे होता था मालूम है ये पैसेज जितने भी अपने अपने फ्लैट्स में इसमें देखे हैं ना ये, तो कैसा होता है ये ऐसा लगता था यार अननेसेसरी ना इतना बड़ा स्पेस वेस्ट हो रहा है करके, लेकिन यहाँ पे बोले तो ऐसे इन लोग ने किया है ना डिजाइन के वो एक रॉयल फील आ रहा है कि ऐसा लग रहा ही नहीं कि वेस्टेज है, ऐसा लग रहा है कि अलग ही लग्जरी। अब हम देखते हैं गेस्ट रूम, चलो गेस्ट लोग आएंगे तो बहुत ज्यादा खुश होने वाले, ऐसा अगर रूम रहेगा आपका तो बहुत प्यारा इंटीरियर है, आप देख सकते हो यहाँ पे सोफा कम बेड भी, ऐसे भी बैठ सकते हैं और बेड बना भी सकते हैं, और यहाँ पर जो है कितना अच्छा लग रहा है ये वॉल, और कुछ बताओ आप। ये यूजुअली गेस्ट के लिए रखा है, ये रूम का साइज थोड़ा छोटा है, तो हम लोगों ने कैसा इधर है ना सोफा कम बेड इनकॉर्पोरेट किया है, तो जब चाहिए तो उसको सोफा बना चाहिए, बहुत ज्यादा फिर जगह ही नहीं रहती अगर बेड रखते तो ये मेन फीचर है वॉल का इसका, ये रूम का ये वॉल है आप देख सकते हो पेंटिंग कैसा लगा है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है एक, ये जो बहुत प्यारा है, और ये पेंट जो यूज किया है वो अलग टाइप का पेंट है। अच्छा। ये इसको सैटिन पेंट बोलते हैं। ओके। जो डिको और पीयू के जैसा रहता है। अच्छा। तो नॉर्मल पेंट से ज्यादा स्मूथ रहता है थोड़ा सा, बहुत मतलब परफेक्ट है क्वालिटी वाइज सब चीज है, बहुत अच्छी लगी है ना। और ये भी वॉल बहुत अच्छा बनाया है, और यहाँ पे मिरर भी दिया है। यूजुअली कैसा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है जब, अभी हैंड ओवर के थोड़े हैंड ओवरिंग हो रहा है प्रोजेक्ट, तो उसके बाद हम लोग कर्टन्स चूज करते हैं, तो कर्टन्स भी ऐसे चूज करते हैं कि अच्छा तो ऑल ओवर आप पूरा टर्न की सारी चीजें डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन पूरा सब कुछ फर्नीचर वगैरह सब, एक बार क्लाइंट हमारे पास आ गया कि हमको डिजाइन करना है उनको एंड में हम सिर्फ चाबी देंगे, मतलब वर्क कम्प्लीटेड करके, ऐसा सही है हम लोग के पास पूरा टीम है, मतलब नहीं है पूरा एग्जीक्यूशन का टीम है हम लोग के पास, कारपेंटर एग्जीक्यूशन पेंटर्स सिविल टीम, बहुत अच्छा परफेक्शन है बहुत आपके काम में। अब आपको बताते हैं किड्स रूम, किड्स रूम देखकर तो मजा ही आ जाएगा, और बच्चे तो आपके मतलब रूम से बाहर नहीं निकलने वाले, यहीं पर रहेंगे और पढ़ाई भी आराम से करेंगे। यहाँ पे देखो स्टडी टेबल है, कितना प्यारा एम्बियंस है, बेड कितना प्यारा है, और वार्डरोब देख सकते हो आप कलरफुल है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा स्पेशली, और मैं अभी घर जाऊंगी ना तो अनाया भी बोलेंगी मुझे ऐसा ही रूम बनाना है, और यहाँ पर भी मिरर दिया है बच्चों को, और इसके वॉशरूम का मिरर आप देखोगे ना वो भी बहुत यूनिक है, मिकी माउस का शेप है इसका, बहुत प्यारा है, काफी अच्छा। हाँ तो ये अभी ये बेडरूम जो था वो उन जो क्लाइंट है उनके दो किड्स है, एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा। तो डिजाइन का थीम भी ऐसा करना था कि वो डोमिनेट ना हो कि लड़की की तरफ या लड़के की तरफ, तो कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा रहे उनको कि दोनों को बैलेंस हो जाए, तो वॉलपेपर्स के ब्लू, कर्टन्स के ब्लू, थोड़ा लैमिनेट के ब्लू वो बॉयज की तरफ जाते हैं और जो पिंक है वो गर्ल्स की तरफ है, तो अगर लड़का लड़की है तो टेंशन ही नहीं है, आराम से दोनों भी खुश हो जाएंगे, लड़की भी खुश हो जाएगी, लड़का भी खुश हो जाएगा, और बहुत बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा काम किया है। ये वॉल भी कितना प्यारा लग रहा है, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये वॉल लैंप है। अच्छा, तो ये थोड़ा किड्स को 3-in-1 लाइट है इसमें। अच्छा तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका, इसको भी जो आर्च क्रिएट किया है इसमें भी लाइट, इसमें भी लाइट है। ओके। हाँ।
बस रात में इतना लैंप लगा देंगे तो काफी है। सही है, डिजाइन भी ऐसा किया फैन है। वगैरह सब कुछ, इंटीरियर ये जो है ऊपर का बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त मस्त, गुड गुड। चलेंगे मास्टर बेडरूम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, मतलब ऐसा मतलब एकदम लिमिटेड चीजें बट बहुत अच्छा और स्पेशियस। आपको स्पेस भी बहुत मिलेगी और आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। इसमें क्या है बताइए आप, बेड वगैरह बहुत अच्छा है, इसके पीछे बेड के पीछे बैक बहुत अच्छा लग रहा है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कुछ मॉडर्न चाहिए, उनके पर्सनालिटी को ओके सूट करे थोड़ा सा, उसके हिसाब से दिया है, मतलब थोड़ा ओके ट्रेंडी लुक। इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए, अच्छा काफ़ी एक्सप्लोर किया। मैं आपको दिखाता हूँ उसके पिक्चर्स, कितने ओके ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, फिर इस ओके पे जाके फाइनल किया है। फिर इसको अच्छा ये साइड पर भी देखोगे आप, वार्ड्रोप, ये वार्ड्रोप भी नॉर्मल हाइट का नहीं है, थोड़ा हाई है, तो अच्छा अच्छा पूरा ऊपर हाँ तक पूरा ऊपर तक है, चलेगा। ताकि रूम हाइट भी कुछ हाँ ज़्यादा काफी लगे। सारा स्टोरेज अंदर भी देखोगे आप और तो प्रॉपर वुडन टेक्सचर यूज किया है, मास्टर बेडरूम में तो लेडीज का ही ज्यादा सामान होता है। राइट। हस्बैंड लोग बेचारे कोने में बैठ जाते हैं लेकिन लेडीज का पूरा पसारा होता है। सही है, ये बहुत अच्छा है, इसमें भी कुछ ज्यादा फिटिंग्स स्पेस ऐसे भी मिल रहा इनकॉर्पोरेट है। किया है कि थोड़ा लेदर हाँ फिनिश। ओके, यहाँ पे ज्वेलरीज वॉचेस वगैरह रख सकते हैं। सही है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ड्रॉज तो अगर आपको भी, आपने नया फ्लैट लिया है, आपको अगर इंटीरियर करवाना है तो कांटेक्ट कीजिए, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा काम है इनका, आप तो देख ही रहे हो। चलो अभी इधर भी कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मेकअप वगैरह के लिए एक ड्रेसिंग रूम ही बना दिया है पार्ट। यहाँ पे भी शूज वगैरह का रैक बनाया है, यहाँ पे आपका मेकअप का सामान वगैरह सब कुछ बैठ सकता है। यहाँ पे आप आराम से चेयर लगा के मेकअप कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, बहुत अच्छा है ये भी पार्ट। तो ये चीज आपने बनाई, ये हाँ सेक्शन कंप्लीटली पूरा। ओके, और टीवी का भी सेक्शन है, यहाँ पे भी बालकनी है, हाँ यहाँ पर भी बालकनी है। यहाँ पे भी बालकनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो इंटीरियर के लिए। बस आप नया फ्लैट लिए हैं, बस इनको चाबी दे दो, आपका अच्छे से अच्छा घर बना कर देंगे आपके हिसाब से, आपको जैसे बनाना है आप। जब से एंट्री कर रहे हैं ना, तब से जो पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, एकदम ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम किसी और का फ्लैट, ऐसे लग रहा है कि अपना ही फ्लैट देख सही रहे हैं है, हम लोग, घर एक ही ये बार करके एकदम लेते है ना। हैं उसको अच्छे से बनाओ, क्योंकि लाइफ टाइम होता है ये चीज, तो लाइफ टाइम इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो अच्छा अच्छी क्वालिटी वाला बनाओ और अच्छा घर बनाओ, ताकि आप घर बाहर से आए तो ऐसे लगे कि घर में सुकून है ना। सही बात है। और बताइए आपने। पहले तो थैंक यू आपको विजिट करने के लिए अरे हमारे मेरा साइट तो पर। तो हमको अगर कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हो गए। मैं सब हम कुछ, लोग इंटीरियर टर्नकी प्रोजेक्ट्स लेते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। ओनली फ्लैट्स लेते या ऑफिसेज नहीं वगैरह, नहीं सब सब कुछ लेते, सब कुछ, कमर्शियल रेसिडेंशियल अच्छा सब सब। करते हैं हम लोग, और आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, सैंक्शन प्रोजेक्ट्स, पीएमसी में डिजाइनिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो आपको कुछ कभी कुछ किसको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट ले सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा वो पेज दिया है, हाँ, अदनान खान डिज़ाइन रील स्टूडियो। भी अपलोड करूंगी तो वहाँ पे भी कैप्शन में सारी डिटेल्स, इनको अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग और बनाओ घर, और इंशाल्लाह हम भी इन फ्यूचर कभी लेंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ये इनका विजिटिंग कार्ड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू। ये जो फ्लैट है ना, ये इनका है, बहुत प्यारा फ्लैट है, और के घर को घर में बरकत आए और सारे रौनक आए, और बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। सब कजिन्स के लिए तो फिर वो ये हमारी छोटी बेटी है माशाल्लाह, ये अभी बाकी सब हमारे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, ये सब है माशाल्लाह। आज पहला दिन था, इनके कदम यहाँ पे है, इंशाल्लाह बरकत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भाई दुआ करेंगे कि आपके घर में खूब सारी रौनक है। हम लोग को आने के साथ ही बहुत पॉजिटिविटी लगी, बहुत अच्छा वाइब आया, तो इंशाल्लाह सब अच्छा।